नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और दोस्तों, अगर आपके पास Realme का Realme 3 Pro स्मार्टफोन है तो दोस्तों आपके लिए काफ़ी बड़ी गुड न्यूज़ है, क्योंकि दोस्तों Realme 3 Pro डिवाइस को फाइनली पर अक्टूबर महीने का लेटेस्ट OTA अपडेट मिलना स्टार्ट हो चुका है, जिसके अंदर आपको मिल चुका है डार्क मोड का फीचर्स, कुछ अपर चार्जिंग एनिमेशन एंड कई सारे आपको टोटल अपर हिडन फीचर्स देखने को मिल चुके हैं, जो कि आपको मैं आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वैसे दोस्तों, बाकी डिवाइस का ऑलमोस्ट अपडेट मिलना स्टार्ट हो चुका है, जैसे कि Realme XT, Realme C2, Realme U1 जैसे डिवाइस का जो डार्क मोड का अपडेट देखने को मिल चुका है। तो दोस्तों, बस Realme 3 Pro यहाँ पर बाकी था, लेकिन उसको भी अपडेट मिलना स्टार्ट हो चुका है। 11A.20 का लेटेस्ट वर्जन देखने को मिल चुका है, जिसका लगभग साइज दे सकते हैं 267 MB का साइज है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इसी Realme 3 Pro के बारे में बात करने वाले, क्या क्या इसमें फीचर देखने को मिल चुके हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखते रहिए और इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस घंटी के आइकन को दबाएं, ऑल सेलेक्ट करें हमारी सभी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो दोस्तों, Realme 3 Pro डिवाइस के यूजर्स को काफी सारे दिनों से इंतजार था कि डार्क मोड का फीचर कब तक देखने को मिल जाएगा Realme 3 Pro डिवाइस में। तो फाइनली दोस्तों, Realme 3 Pro डिवाइस को एक लेटेस्ट अपडेट मिलना स्टार्ट हो चुका है, जिसका वर्जन है 11A.20 का एंड साइज दे सकते 267 MB का साइज है। तो दोस्तों, Realme 3 Pro डिवाइस को कल से यहाँ पर OTA अपडेट मिलना स्टार्ट हो चुका है। अगर आपके Realme 3 Pro डिवाइस में अभी तक OTA अपडेट देखने को नहीं मिले तो यहाँ पर 6 दिन यहाँ पर वेट कीजिए, बाकी सभी डिवाइस का ऑलमोस्ट यहाँ पर OTA अपडेट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और दोस्तों, अगर आपको मैन्युअली अपडेट करना अपने Realme 3 Pro डिवाइस को, तो मैन्युअली अपडेट कर सकते हैं, क्योंकि Realme के जो ऑफिशियल वेबसाइट अपडेट की यहाँ पर लिंक अवेलेबल हो चुकी है। तो दोस्तों, Realme 3 Pro डिवाइस के लिए दे सकते आपको लेटेस्ट लिंक अवेलेबल हो चुकी है, जिसका साइज लगभग दे सकते हैं 2.7 GB का लगभग साइज है। अपडेटर लॉग में जाने के बाद आपको कई सारे चेंज लॉग देखने को मिल चुके हैं, जो कि सारे के सारे हम यहाँ पर 1 by 1 आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले पर चेंज लॉग फीचर्स के बारे में बात करें, यहाँ पर UI के बारे में बात करेंगे। तो ऐप ड्रावर में मतलब कि थोड़ा सा लॉन्चर में चेंजेस हो चुका है एंड डिवाइस आपको पहले से थोड़ा सा ज्यादा आपको स्मूथ देखने को मिल जाएगा, किसी भी प्रकार का आपको हैंगिंग एंड लैगिंग के इश्यू देखने को नहीं मिलेगा। नोटिफिकेशन पैनल स्टेटस बार में आपको चेंजेस देखने को मिलने वाले, कई सारे फीचर्स ऐड किए गए हैं। तो दोस्तों, अपडेट इंस्टॉल करने के बाद सबसे पहले आपको अपडेटर लॉग में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले चेंजेस दे सकते हैं सिक्योरिटी के अंदर, आपको एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच लेवल, जो कि लेटेस्ट अक्टूबर महीने का लेटेस्ट एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच लेवल देखने को मिल चुका है। उसके बाद दोस्तों, सेकंड दे सकते हैं सिस्टम के अंदर आपको एक डार्क मोड का फीचर इनेबल हो चुका है, जिसको इनेबल करने के लिए जाना पड़ेगा सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद Realme लैब में, एंड Realme लैब में जाने के बाद आपको टॉप की तरफ से ऑप्शन देखने को मिल जाएगा डार्क मोड का, तो सिंपली उसके ऊपर डार्क मोड इनेबल कर सकते हैं। और दोस्तों, जो डार्क मोड है काफी बेटर डार्क मोड है, क्योंकि इस डार्क मोड को इनेबल करने के बाद आपके Realme 3 Pro डिवाइस का जो टोटली सिस्टम है डार्क मोड इनेबल हो जाता है। बात करें यहाँ पर सेटिंग को लेकर, बात करें यहाँ पर होम स्क्रीन को लेकर, किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन या फिर नोटिफिकेशन पैनल, सभी चीजों के लिए जो डार्क मोड है फाइनली इनेबल हो जाता है। और दोस्तों, अगर आपके फोन में मतलब की Realme 3 Pro डिवाइस के अंदर किसी भी प्रकार के थर्ड पार्टी एप्लीकेशन थे, तो उन सभी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के लिए पर डार्क मोड भी इनेबल कर सकते हैं। उसके लिए भी दोस्तों आपको एक सेटिंग करनी पड़ेगी, सेटिंग के लिए आपको जाना पड़ेगा Realme लैब में। Realme लैब में जाने के बाद डार्क मोड पर इनेबल करेंगे तो नीचे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा डार्क मोड फॉर थर्ड पार्टी एप्स। तो अपने फोन में जितने सारे थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है, उन सारे के सारे थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के लिए डार्क मोड इनेबल कर सकते हैं। तो जो भी आपको सिलेक्टिव एप्लीकेशन के लिए डार्क मोड इनेबल करना है, तो उस तरह से यहाँ पर सिलेक्टिव एप्स के लिए पर सिलेक्टिव डार्क मोड इनेबल कर सकते हैं। इस प्रकार से आपको डार्क मोड का फीचर देखने को मिल चुका है, लेकिन फिलहाल के लिए जो डार्क मोड का फीचर्स है Realme लैब के अंदर मिल चुका है, मतलब कि Realme लैब के अंदर जो भी सारे फीचर्स आते हैं टेस्टिंग के लिए मिल जाते हैं। उसके बाद दोस्तों, सेकंड चेंज लॉग दे सकते आपको मिल चुका है अपडेटेड चार्जिंग एनिमेशन। तो फाइनली Realme 3 Pro डिवाइस के अंदर भी आपको चार्जिंग एनिमेशन मिल चुका है, जो कि एक टिपिकल नॉर्मल सा चार्जिंग एनिमेशन है। और दोस्तों, इसके पहले आपको Realme C2 डिवाइस के अंदर आपको चार्जिंग एनिमेशन मिल चुका था, उसी तरह से आपको सेम टू सेम चार्जिंग एनिमेशन अब Realme 3 Pro डिवाइस के अंदर देखने को मिल चुका है। उसके बाद दोस्तों, नेक्स्ट चेंज लॉग फीचर्स के बारे में बात करेंगे, जो कि आपको मिल चुका है एडेड फास्ट स्विच टॉगल बिटवीन SIM1 इन नोटिफिकेशन सेंटर्स। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए मैंने अपने Realme 3 Pro डिवाइस के अंदर यहाँ पर सिम कार्ड तो इंसर्ट नहीं किया है, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा कि दोनों सिम कार्ड के बीच में एक टॉगल स्विच इनफोर किया है, जिसके मदद से आप आसानी से स्विच कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, नेक्स्ट चेंज लॉग फीचर दे सकते हैं रिमूव द रिमाइंडर आफ्टर हॉटस्पॉट इनेबल। तो दोस्तों, यहाँ पर हॉटस्पॉट इनेबल करेंगे तो हॉटस्पॉट इनेबल करे बाद जो भी आपके यहाँ पर रिमाइंडर आता था पर कितना MB यूज किया है, सब कुछ यहाँ पर रिमाइंडर कितना MB उसने यूज किया है, सब कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिलता था यहाँ पर रिमाइंड का, वो सब कुछ यहाँ पर रिमूव कर दिया है। उसके बाद दोस्तों, नेक्स्ट चेंज लॉग दे सकते हैं एडेड स्विच ऑफ ग्लोबल सर्च आफ्टर द स्वाइप डाउन। तो होम स्क्रीन पर अगर यहाँ पर स्वाइप डाउन करेंगे तो आप ग्लोबल सर्च का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जिसकी मदद से आप आसानी से यहाँ पर ग्लोबल सर्च की मदद से किसी भी प्रकार के यहाँ पर सर्च इनेबल कर सकते हैं, बस इसी शॉर्टकट के जरिए। तो होम स्क्रीन
फिर आपको सिंपली यहाँ पर स्वाइप डाउन करना है। स्वाइप डाउन करने के बाद ऊपर की तरफ से देख सकते हैं आपको यहाँ पर ग्लोबल सर्च का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको यूट्यूब है, सेटिंग्स है, गूगल क्रोम है, कई सारे आपको चेंजेस देखने को मिल चुके हैं। तो दोस्तों ये भी आपको थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिल चुका है। उसके बाद दोस्तों अपडेटर लॉग में देख सकते हैं नेक्स्ट चेंज आपको मिल चुका है, जिसमें आप देख सकते हैं एडेड रियलमी लेबोरेटरी। तो दोस्तों काफी सारे लोगों के मुझे कमेंट्स आते थे कि यहाँ पर रियलमी लेबोरेटरी होता क्या है। तो दोस्तों रियलमी लेबोरेटरी के अंदर आपको जो बीटा उसके फीचर्स होता है टेस्टिंग के लिए दिए जाते हैं, जैसे कि डार्क मोड का जो फीचर्स है रियलमी लैब के अंदर प्रोवाइड किया गया है। वैसे दोस्तों डार्क मोड का जो फीचर्स है एंड्रॉइड 10 अपडेट मिलने के बाद आपको डिस्प्ले के अंदर मिलने वाला है, लेकिन दोस्तों डार्क मोड का जो फीचर्स है रियलमी लैब के अंदर आपको प्रोवाइड किया गया है। उसके बाद दोस्तों छोटे मोटे चेंज लोग देखने को मिल चुके हैं, जैसे कि गेमिंग एक्सपीरियंस जो टच का रिस्पॉन्स है यहाँ पर अच्छी तरह से ऑप्टिमाइज किया गया है। तो गेमिंग लवर्स के लिए काफी इंप्रोमाइजेशन किया गया इस बार गेमिंग में, और नीचे देख सकते हैं एंड्रॉइड 9 बेस आपको अपडेट प्रोवाइड किया गया है। दोस्तों इस प्रकार से देख सकते हैं Realme 3 Pro डिवाइस के अंदर अक्टूबर महीने के जो अपडेट है काफी सारे कोई चेंज लोग फीचर्स प्रोवाइड किए गए इस Realme 3 Pro डिवाइस के अंदर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बस इसी Realme 3 Pro डिवाइस के बारे में बात करने वाला था, उसके लेटेस्ट अपडेट के बारे में, कुछ फीचर्स के बारे में बात करने वाला था। वैसे दोस्तों और भी कुछ फीचर्स है लेकिन वो कुछ पहले देखने को मिल चुके थे, इसलिए मैंने सब कुछ यहाँ पर मैसेज नहीं किया है। तो दोस्तों मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और फिर मिलेंगे कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।